एक चीज़ ये है कि लोग ये सोच सकते हैं कि डिवाइन सोल्स के साथ में ऐसा क्यों होता है, उनसे उनकी सारी चीज़ें छीन क्यों ले जाती हैं, उनके पास से जो कुछ भी अच्छा होता है वो उनसे दूर हो जाता है, जिसे भी वो बहुत प्यार करते होते हैं, जिसे भी वो बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं, वो उनसे छीन क्यों लिया जाता है। तो आज की वीडियो में मैं ये सारी बातें बताने वाली हूँ कि डिवाइन की तरफ से या फिर कार्मिक के माध्यम से वो सारी चीज़ें क्यों छीनी जाती हैं। तो इस बात पे मेरा वीडियो है। हाय सभी डिवाइन सोल्स को ढेर सारा प्यार, ढेर सारा राज दुलार और ढेर सारी केयर के साथ में इस वीडियो की शुरुआत करते हैं कि डिवाइन के द्वारा या फिर डिवाइन के प्लान के तहत ही जो कार्मिक हमारी ज़िंदगी में आते हैं तो वो हमारी जो चीज़ें हैं ना वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो वो ऐसा क्यों होता है कि हम जिस भी पर्सन से अटैच होते हैं वो पर्सन हमसे दूर हो जाता है, ये डिवाइन जर्नी का हिस्सा होता है। तो क्यों ऐसा होता है आज की वीडियो में हम इस बात पे जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी इस वीडियो की, जिसका पर्पस यही है कि डिवाइन जर्नी में आपको डिटैचमेंट जो है ना वो सिखाया जाता है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि स्पिरिचुअलिटी मतलब अध्यात्म, अध्यात्म मतलब अपने आप को जानना। अपने आप को जितना ज़्यादा हम जान पाए, जितना ज़्यादा उसके रहस्यों को समझ पाए, अपने अंदर अपनी इनर कॉन्शियस में जितना ज़्यादा हम घुस पाए, जितना समझ पाए, वो सारा कुछ जो है अध्यात्म के अंतर्गत आता है। और ये सारी चीज़ें हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम बाहरी दुनिया से डिटैच हो जाएंगे। बाहरी दुनिया मतलब जितनी भी हमारे रिश्ते नाते, जितनी भी चीज़ें, जितनी जिनसे हमारा अटैचमेंट है, तो अटैचमेंट जो होता है वो बाहरी तौर पे होता है। तो जब हम बाहरी तौर पे अटैचमेंट दिखाते हैं तो डिवाइन के प्लान के तहत वो सारी चीज़ें हमसे छीन ली जाती हैं। जब तक वो छीनी नहीं जाएंगी तब तक हम एम्प्टी नहीं होंगे, जब तक हम एम्प्टी नहीं होंगे तब तक हम उन सारी चीज़ों को वर्क नहीं कर पाएंगे जो चीज़ें हमारे इनर कॉन्शियस में छुपी हुई हैं, जिन पे हमें वर्क करना है। अब बात आती है कि कार्मिक, कार्मिक का रोल कैसे इसमें प्ले होता है। जैसे मान लीजिए हमने किसी भी जन्म में किसी के साथ में भी कुछ भी किया है, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, तो वो सारी चीज़ें कार्मिक अपने माध्यम से वो हमसे ले लेते हैं। जैसे बहुत सारे जो बातें होती हैं कि जैसे हम कहा करते हैं अपनी वीडियोस में भी, मैंने बहुत बार बोला है कि लोग काली क्रियाएं करके हमसे हमारी चीज़ें छीन लेते हैं, हमारी प्रॉस्पेरिटी है, हमारा लक है, हमारी सारी चीज़ें छीन लेते हैं। तो वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमने किसी भी जन्म में उनके साथ में किसी भी तरीके का कनेक्शन था और वो कनेक्शन हमारा वर्क नहीं किया या हमसे कुछ गलत हो गया, तो वो लोग इस जन्म में अपनी काली क्रियाओं के माध्यम से वो उतना जितना हमने उनसे लिया था उतना वो हमसे छीन लेते हैं। तो जब वो छीन लेते हैं तो अकाउंट बराबर हो गया, लेकिन जब वहीं पर हम जब उनको कर्स करते हैं, हम उनको उल्टा सीधा बोलते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम हमारे उसमें कार्मिक अकाउंट में और ज़्यादा जुड़ जाती हैं, फिर हमारे पास और अधिक कार्मिक आ जाते हैं। तो वो कार्मिक जब आते हैं तो उनके साथ में अगर हम बैलेंस करना सीख जाते हैं या फिर वही कार्मिक हमारे बने रहते हैं और उनका बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट हो जाता है, तो फिर हमें अगर उनके साथ में हमें डिवाइन के थ्रू हमें बहुत सारे गाइडेंस मिलते रहते हैं कि हमें उनके साथ में लिबरल रहना है, हमें उनके साथ में इस तरीके से पेश आना है, हमें उनके साथ में फॉरगिविंग और लेटिंग गो वाला जो ऑप्शन है वो अपनाना है, तो ये सारी चीज़ें हमें डिवाइन के थ्रू टाइम टू टाइम बताया जाता है, जिससे कि हम अवेकन्ड होते रहते हैं और हमें अपनी जर्नी में बहुत सारे कार्मिक अकाउंट हैं वो क्लियर होते रहते हैं। तभी जितने भी कार्मिक लोग होते हैं उनके अपने खुद के अकाउंट वो उन जिस तरीके से बनाना चाहे वो बनाते रहते हैं और उस माध्यम से वो हमसे वो सारी चीज़ें छीन लेते हैं। जैसे हमारा किसी जन्म में किसी से अटैचमेंट बहुत ज़्यादा था और बाई चांस खुदा ना खास्ता वो अटैचमेंट टूट गया, तो वो इस जन्म में
हमें किसी ना किसी माध्यम से धोखा दे देगा, हमें तन्हा छोड़ के चला जाएगा, तो वो सारी चीज़ें हो जाएंगी, वो हमें किसी ना किसी रूप में हमें उसने सौरव दे दिया। ऐसे ही अगर किसी से का धन मेरे पास रह गया और वो धन मैं वापस नहीं किसी भी रूप में नहीं वापस कर पाया, तो उसने क्या किया, हमारी जितनी प्रॉस्पेरिटी थी वो हमसे छीन ली। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस वो उनके अपने टैक्टिक्स होते हैं कि वो अपनी किसी टैक्टिक्स के माध्यम से आपसे वो सारी चीज़ें फिर से वापस ले लेंगे। तो यहाँ पर बैलेंसिंग का फंडा हो गया। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमें फॉरगिविंग के स्टेज पे, हमें फॉरगिविंग के इमोशंस में रहना है कि हम लोगों को फॉरगिव करते रहें ताकि हम अपना नया कोई कर्मा क्रिएट ना करें। तो डिवाइन सोल्स के साथ में जितनी भी स्पिरिचुअल सोल्स हैं उनको आप देखेंगे, उनको किसी न किसी माध्यम से उनकी पास्ट लाइफ से रिलेटेड चीज़ें याद दिलाई ही जाती हैं, उनको याद कराया जाता है, विज़न के थ्रू उनको पता चले या फिर किसी भी माध्यम से उनको वो सारी चीज़ें रिकॉल करा दी जाती हैं ताकि वो अपने कर्मा को सही तरीके से क्लियर कर सकें और वो फॉरगिविंग के रूप में रहें ताकि वो नया कर्मा क्रिएट ना करें। और जब नया कर्मा वो क्रिएट करते हैं तो डिवाइन उनको ढेर सारे फिर उनको टेस्ट देता है, ट्रिगर्स देता है ताकि वो ये लेसन जो है ना सीख जाए। मैंने अपनी जर्नी से बहुत सारी चीज़ों को ये एक्सपीरियंस किया है कि मैंने जब जब लेट गो वाली प्रोसेस में मैं नहीं रही हूँ, मैं फॉरगिविंग वाली प्रोसेस में नहीं रही हूँ, तो मेरे सामने एक नया चैलेंज फिर आ जाता है और वो नया चैलेंज मुझे फेस करना पड़ता है। तो नया नया कार्मिक जो अकाउंट है हमारा ना बने, तो उसके लिए डिवाइन हमको ये डिवाइन गाइडेंस हमें प्रोवाइड कराता रहता है ताकि हम ये सारी चीज़ें क्लियर कर सके। अब बात आती है कि जैसे हमें जो हमारी चीज़ें हैं वो हमसे छीन ली जाती है, हमें अकेला क्यों कर दिया जाता है। जब तक हम अकेले नहीं होंगे, हम अटैचमेंट में फंसे रहेंगे, जब तक हम अटैचमेंट में फंसे रहेंगे हम अपने जो सोल पर्पस, जिस पर्पस के लिए हमने डिवाइन के थ्रू हमें धरती पे भेजा गया है, वो पर्पस हम फुलफ़िल नहीं कर सकते हैं। कहते हैं जब तक हम प्यार मोहब्बत में पड़े रहेंगे, हम किसी इंसान के पीछे भागते रहेंगे, तो क्या हम वो सारे कार्य कर सकेंगे जो जिस भी काम के लिए हमें डिवाइन ने इस धरती पे भेजा है, नहीं कर सकते। हमें पहले मुझे होम सिकनेस बहुत ज़्यादा होती थी, मैं अपने घर से जब निकलती थी तो मैं रोने लगती थी। एक बार मैं आपको किस्सा सुनाती हूँ, एक बार मेरी मौसी आई हुई थी तो मुझे अपनी मौसी जी के साथ में जाना था उनके घर, और मेरा सारा सामान पैक हो गया और जब निकलने की बारी आई मैं मम्मी के चिपक करके इस कदर रोई हूँ, मैं नहीं जाऊँगी, मुझे नहीं जाना। अब मेरे जो ताऊ जी के बेटे थे वो मेरा सामान रख दिया उन्होंने और कहा अब तो तुम्हें जाना ही होगा, मौसी जी तैयार बैठी हैं, उसमें जाना ही होगा। हाँ, वो मुझे खींच कर बाहर, घर के बाहर लेकर गए। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊँगी, मैं भाग कर वापस मम्मी के चिपक करके छुप गई उनके पीछे। मैंने कहा नहीं, तो मम्मी ने कहा नहीं जाने का मन है तो मत जाने। और जब पता है जब मम्मी बोल दिया कि नहीं जाना चाहती, नहीं जाए, इतनी खुशी मुझे मिली कि मैं आपको बता नहीं सकती कि कितना ज़्यादा मैं खुश हो गई थी। तो ये होम सिकनेस मुझे इतनी ज़्यादा थी, मैं जब दिल्ली में प्रिपरेशन करती थी तो क्या होता था कि मैं जब भी पापा मुझे छोड़ने आते थे शाम के टाइम, बस मेरी जाती थी तो मुझे छोड़ने आते थे, तो मैं जब पापा मुझे छोड़ के बस में बिठा करके जाने लगते थे, अब मेरा रोना शुरू हो जाता था। ऐसा होता था कि बस में जो सवारियां बैठी होती वो दौड़ के मेरे पापा के पास, कई बार ऐसा हुआ कि मेरे पापा के पास दौड़ करके गई कि साहब जी आपकी गुड्डी रो रही है, तो पापा फिर मुझे वापस घर ले जाते थे। फिर हम लोग रास्ते में प्लान बनाते थे कि मम्मी को क्या बोलेंगे कि बस में कोई सवारी नहीं थी, बस में ये था, बस में वो था, बस नहीं आई थी, ये सारा कुछ हम लोग रास्ते भर हम और पापा प्लान बनाते रहते थे कि मम्मी से ये झूठ बोलना है। तो ये इतना ज़्यादा मेरे अंदर होम सिकनेस थी, तो मैं वो सारी होम सिकनेस मेरे अंदर से निकालने के, इनर चाइल्ड जो भी वुंड्स होते हैं या इनर चाइल्ड जो हैबिट्स होती हैं, तो वो निकालने के लिए आपको डिटैचमेंट में रखा जाता है। तो
वो फैमिली सिकनेस जो थी वो मेरे अंदर से दूर की इस जर्नी ने, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो क्लियर हुई हैं, मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं जब से मैंने इस जर्नी को समझना शुरू किया है। मेरी सारी चीज़ें मुझसे छीन ली गई, पहले मेरी हेल्थ डाउन, धीरे धीरे मेरी हेल्थ डाउन होने लगी, मेरी हेल्थ इस कदर डाउन होने लगी कि मैं एक बार तो 2 महीने तक मतलब एक तरीके से समझ लो बिस्तर पर ही रह गई थी। मेरे से चला नहीं आता था, मेरे पैर बिल्कुल जैसा लग रहा था कि जंग लग गए हों, मेरे पैरों में जंग लग गया, मुझसे बिल्कुल भी उठा नहीं जाता, मैं सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाती थी, इतना हाल बुरा हो गया था। मैं नीचे ही अपने कम घर में नीचे ही करके खाना पीना खाती थी और मुझे बहुत दिक्कत होती थी, मैं रोती रहती थी, मैं ही सोचती थी कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। स्टार्टिंग की बात है, मेरे पैर बिल्कुल ख़राब से हो गए थे, ऐसा लग रहा था कि मुझे लगता था कि मैं चल भी पाऊंगी कि नहीं चल पाऊंगी, ऐसा हो गया था। मेरे बाल जो कि बहुत ही खूबसूरत बाल थे मेरे, मैंने बिना किसी हाईलाइटिंग या किसी भी कुछ भी, मैंने कभी भी कुछ भी नहीं कराया था, कोई भी एक्सपेरिमेंट अपने बालों पे नहीं किया था, मेरे बाल बहुत अच्छे थे। आज वही उसी का जस्ट अपोजिट हो चुका है, मेरे बाल बिल्कुल रद्दी हो चुके हैं अब उनमें कोई जान, ऐसा लगता ही नहीं कि उनमें कोई जान बची है। कभी कभी तो बीच बीच में तो मैं ऐसा सोच लेती थी कि बालों को उड़ा ही दूँ, ऐसी सिचुएशन कभी कभी मेरी क्रिएट हो जाती थी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये डिवाइन आपके आपसे ले लेता है, क्यों ले लेता है, ताकि आप इस जर्नी को समझो और इसमें घुसो नहीं, इसमें अटैच नहीं रहो। वर्ल्ड लेवल पे जो सारी चीज़ें जितनी हैं वर्ल्डली चीज़ें हैं ना, उनसे अटैच नहीं होना है, डिटैचमेंट की प्रोसेस में आना है। जब आप डिटैचमेंट की प्रोसेस में रहोगे तो आपको बहुत सारी अबंडेंस भी मिलेगी, और जब भी आप उस डिटैचमेंट के बाद में अटैचमेंट दिखाओगे तब भी आपका डार्क नाइट ऑफ द सोल स्टार्ट हो जाएगा। रीयूनियन के बाद भी आपका डार्क नाइट ऑफ द सोल स्टार्ट हो सकता है अगर आपने अटैचमेंट वर्ल्ड लेवल पे या वर्ल्ड जो लेवल की जो चीज़ें हैं ना उनमें अटैचमेंट दिखाया, तो आपके साथ में ये सारी प्रोसेस हो सकती है। तो मेरे ख्याल से आप इस वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे कि डिटैचमेंट क्यों दिया जाता है, और ये तब आता है जब आपकी केतु की दशा चल रही होती है। आपकी कुंडली में आप देख लीजिएगा, अगर आपकी कुंडली में केतु की दशा चलती है तो उस वक्त में ये बहुत हायर लेवल पे ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ढकेला जाता है। और ये फेज़ हर किसी के लाइफ में आता है, लेकिन जो स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं वो अवेकेंड हो जाते हैं, और जो नॉन स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं वो क्या कहते हैं, रोते धोते रहते हैं, और वो फिर अपनी ज़िंदगी को या तो डिस्ट्रॉय कर देते हैं या फिर वो उनकी ज़िंदगी रोते रोते ही कट जाती है। तो ये अंतर होता है एक अवेकंड और एक नॉन अवेकंड पोर्शन में। तो आई होप मेरी इस ये जो बातें हैं ना वो आपको समझ में आई होंगी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती होंगी। आप देखते नहीं हैं, प्लीज़ देखा कीजिए ताकि आपको नॉलेज और ज़्यादा क्लियर हो सके। और जो कुछ भी अगर मेरी वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको है तो आप वो कॉमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, जो कुछ भी मेरे पास नॉलेज होगा। मैंने जो कुछ भी आपको यहाँ पर जितनी भी सारी चीज़ें मैंने जितनी भी वीडियोज़ बनाए हैं जितने भी कुछ बताया है वो मेरे अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। मैंने वीडियोस देखी, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने वीडियोस नहीं देखी, लेकिन हाँ वीडियोस देखी, लेकिन उसके बाद में मैंने अपनी पर्सनल एक्सपीरियंसेस देखे। तो जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं वो मैंने आपको यहाँ पर शेयर किए हैं। जो मैंने वीडियो देखी उसके बारे में मैंने कुछ भी नहीं बताया है कि क्या क्या चीज़ें मैंने वीडियोज़ में मैंने पाया है। हाँ, समझने की कोशिश ज़रूर की है कि आखिर स्पिरिचुअल जर्नी क्या होती है। बहुत सारे महानुभवी लोग हैं इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जो कि हमको डे बाय डे गाइडेंस देते रहते हैं, तो उनका गाइडेंस जो मिलता रहता है और अपनी जर्नी को समझने का मौका मिलता रहता है, तो वो जो समझ है वो मैं आप तक लेकर आती हूँ। तो आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छी लगती है और कुछ हेल्प मिलती है अगर आपको मेरे इस वीडियो से, तो बहुत बहुत आभार होगा मेरा। सच में कह रही हूँ कि मुझे दिल से खुशी होगी अगर किसी की ज़िंदगी में कोई रोशनी की किरण मेरे द्वारा अगर पहुँचती है तो। थैंक यू सो मच एंड लव यू डिवाइन सोल्स। और इसी बात के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। राधे कृष्णा।